हो गए हैं, 4 बज रही है, 4 घंटे बाद हमारी ट्रेन है। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू फ्लैग बीच और नीलाद्री बीच, देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और वहाँ की जो एक स्पेशल कॉफी है वो एंजॉय करने के बाद वहाँ से कुछ खाने के लिए पैक करा लेंगे, क्योंकि तपस्विनी में कुछ भी खाने को मिलता नहीं है। डिनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, आने टाइम भी हमें समोसा खा के आना पड़ा था। तो देखते हैं क्या पैक करवाएंगे, भी पैक करवाएंगे, उसका रिव्यू जरूर करेंगे। तब तक के लिए चलिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ब्लू फ्लैग बीच। ये इसका क्लोजिंग टाइम 9:30 PM है, 11 बजे से लेके 9:30 PM तक ये खुला रहती है। आप आ सकते हो, इवनिंग का चाय कॉफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी रिफ्रेशमेंट भी है। ये भी अच्छा है यार, गोल्डन पैलेस। तो ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड का इसे टैग मिला हुआ है सबसे क्लीनेस्ट बीच का, और देखा जाए तो सच में काफी क्लीन है। इसका फ्लैग है ब्लू फ्लैग, साथ ही में अंदर में बहुत सारे पिक्चर्स भी मिल जाएंगे। ये गोल्डन पैलेस, जमींदार पैलेस, उधर मेफेयर है, के बाद साथ ही में बगल में एक कनेक्टेड है नीलाद्री बीच, यहाँ पे लोग कम आते हैं इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ का पानी भी बहुत क्लीन है, बीच के साथ साथ पानी भी बहुत क्लीन है, ऐसे लगते हैं ना 20 रुपये इसीलिए, प्लस स्विमिंग के लिए अलग से अगर 50 रुपीज़ देना पड़ता है। आप आओ तो यहाँ पे वॉशरूम उधर साइड है वहाँ पे। कितने लोग हैं पूरी से जो हमारा व्लॉग देखते हैं, प्लीज कमेंट डाउन, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग भी बताओ ताकि हम लोग आए और एक्सप्लोर करें, क्योंकि 2 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं बट कहीं वैसा गए नहीं, क्योंकि मन नहीं कर रहा था फिर छोड़ के कहीं जाने का। ये साइन बोर्ड है यहाँ पे ताकि कचड़ा वगैरह ना फहराया जाए। हम लोग गए थे कोरापुट का कॉफी पीने के लिए, लेकिन ब्लू फ्लैग बीच में नहीं मिलता है, नीलाद्री बीच में मिलता है। गार्ड अंकल ने हमें सजेशन दिया है कि आप एक बार इसके एंड में जाओ और उनको बोलो अगर कि कॉफी पीकर वापस आना है, अगर वो जाने देते हैं तो ठीक है। तो देखते हैं हमें परमिशन मिलता है या नहीं बॉर्डर पार करने का। ये पीछे जो होटल है झाड़ चुक गया, निमंत्रण होटल। अभी जब हमने 3 होटल देखा, ये रहा जमींदार पैलेस, गोल्डन पैलेस और निमंत्रण, क्योंकि बीच, ये पूरा बीच व्यू है, पूरा प्राइवेट, ये पूरा प्राइवेट बीच मिल जाएगा आपको अगर ये सारा जितना भी बाई करते हो आप, गोल्डन पैलेस, रमिदास पैलेस, नीलाद्री बीच का, ये सारा आपको साथ में मिलने वाला है। ये प्राइवेट बीच का एंट्रेंस, ये गेट है। तो गाइज हमें आने के लिए परमिशन मिल गया है, यहाँ के गार्ड अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो। सो फाइनली हम लोग नीलाद्री बीच के अंदर है और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का भी। सो हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं नीलाद्री बीच, पिछली बार हम लोग ब्लू फ्लैग बीच तक ही आए थे और ये बाहुबली इंसान। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स, ये है मॉन्क, जो पर अपना तोतला कुंडा करके थे अबे तोतला कुंडा मॉनेस्ट्री वाला। और ये तो बहुत क्यूट, बहुत अच्छा है, ब्लू फ्लैग बीच जैसा ही है, आप देख सकते हो गाइस। ये देखिए नीलाद्री बीच का राजभवन, फूल और कांटे। यू आर इन द व्लॉग, आई एम द बिहाइंड द सीन्स पर्सन। चंदन तो मेरे से ऐसे क्वेश्चंस करता है जैसे कि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ,
ये आप देख सकते हो कि जगह जगह पे ये बैठने के लिए बना हुआ है। सो यही एक डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये नीलाद्री बीच है जो कि ब्लू फ्लैग बीच में है नहीं। सो फाइनली चंदन को उसका कोरापुट कॉफी मिल गया है जो मैं तभी से प्रोनाउंस कर नहीं पा रही हूँ। कोरापुट कॉफी फाइनली वी हैव रीच्ड। कैपेचिनो एक और एक तुम नहीं पता दादा मेरे को फिल्टर कॉफी बस पीना है। कॉफी वगैरह आप लोग बेचते भी है ना? 140 कितना वेट रहता है उसमें? 250 ग्राम। अच्छा, कम सुगर चाहिए? 100 ग्राम सुगर चाहिए? नॉर्मल। वैसे कभी पूछे नहीं ब्राउन और नॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है? मीठा कम होता है वो। मीठा कम होता है? अरे वो मीठा कम होता है। ब्राउन शुगर देखो भैया का भी टेस्ट भी नहीं किया। कैसे कोरापुट की कॉफी। ओहो मेरा मैं हार्ट बना है, तेरा फेफड़ा बना है। क्रीमली हार्ट, मेरा फेफड़ा कलेजा में तब्दील हो रहा है, सॉरी मेरा हार्ट। गाइस हमें बैठने का स्पेस मिल गया है, आप देख सकते हो चंदन सुबह डाल रहा है और अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे के बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, थोड़ा सा वॉक करेंगे इधर उधर। ब्लू फ्लैग बीच हमने पहले भी शूट किया था। बिरयानी आप लोगों को एक्सपीरियंस कराना था बट बंद हो गए। कोलकाता रोल्स, कोलकाता रोल्स कोई नहीं, कुछ नया चीज़ ही पैक करवाएंगे। जब भी हम लोग कुछ ट्राई करते चंदन इतना मनहूस है कि अभी वो मुन्ना भाई मटन पॉइंट जो है अभी हमने टेस्ट की है, नेक्स्ट टाइम वो बंद हो जाए। नेक्स्ट टाइम वो बंद हो जाएगा, लिख के ले लो ये। देखते हैं कौन मनहूस है। मेकिंग ऑफ कोरापुट की कॉफी जिसमें सिर्फ शुगर डालने का काम ये कर रहा है। सामने डस्टबिन है, आप कुछ भी डस्ट डाल सकते हो। कछुआ बनाया हुआ है, मैसेज होगा बॉटल ना फेंके। मलाई के सर आवाज जैसे क्या चल रही है। अरे हाँ मोटा है, मस्त बनाया यार। Million tons of plastic are dumped into our ocean. Every year. अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू फ्लैग बीच की और टाइम भी हो रहा है कुछ 5:17-6 बजे तक निकल जाएंगे। ये वो गेट ब्लू फ्लैग से आए थे कोरापुट पर कॉफ़ी पीने। परमिशन अलाउ होता नहीं है लेकिन आप बोलोगे तो फिर मिल जाएगी। क्लोज हो गया क्या? थैंक यू दादा। शहर में एक ही पेट्रोल पंप होने की वजह से परेशानी आप देख सकते हो भाई, कितनी लंबी लाइन है। ट्रेन का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, अभी 7 बजने वाले हैं, अभी स्कूटी देना है और आप देख सकते हो कितना हड़बड़ हो गया है सब कुछ पैक वैक करना। लास्ट टाइम इस व्यू को देख लो, अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। बाय बाय होटल। बका आ गए हो, अभी बहुत टाइम है, 6:45 ही हो रहा है। आप लोग बताइएगा गाइस ये हरकत देख के बकाया हो। अच्छा केक छोड़ी हुई है, केक हमको लग रहा है ले लेना चाहिए, ले लो। सब कुछ लॉक्ड, फाइनल चेकिंग।
कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब नीचे जाके बिलिंग करवाना है, उसके बाद बन जाएगा।